हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है श्यामल सर मैथ्स अकेडमी में। और बच्चों, इस लेक्चर में हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ही कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और अल्जेब्रिक फंक्शन के nth ऑर्डर का डिस्कशन किया। बच्चों, इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिए इस कंसिडरेशन को। सो बच्चों, ये हमारा ई कंसेप्ट है जिसमें the nth derivative of हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इस कंसिडरेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। शायद आपने ये सोचा ना हो, लेकिन है बच्चों, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन और कॉस है उन्हीं के लिए ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव कंसेप्ट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना tan, cot, sec, cosec, इनके लिए वर्कआउट नहीं करना है। और किसी के मन में इस स्टेटमेंट के बाद अगर सवाल आता है कि सर अगर आ गया तो? नहीं आने वाला, लिमिटेशन है बच्चों, पूछेंगे भी वही जिसके लिए फॉर्मूले अवेलेबल है। तो चलिए डिराइव करते हैं इस कंसिडरेशन को। सॉल्यूशन, तो पहला स्टेप हमेशा की तरह लेट y इज इक्वल्स टू होगा बच्चों साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। आगे आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सो बच्चों, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? वाई वन। और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो एक और बार हमें कंपोजिट फंक्शन का आंसर ढूंढना है। सो बच्चों क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहां हम लिखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? कॉस एक्स। लेकिन उसी के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर साइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं आया तो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे, साइन के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स आता है तो आंसर कॉस एक्स आएगा। लेकिन वहीं पर अगर साइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं आया तो आंसर आएगा बच्चों कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये अगेन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से डिराइव्ड फॉर्मूला है बच्चों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम हमेशा एक्स की टर्म न होने पर इंप्लीमेंटेशन लेते हैं उस स्ट्रक्चर का, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है और फिर उसकी कंपोजिट स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। तो बच्चों यहां से आगे ध्यान से देखो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की बात हो रही है तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और जैसे मैंने यहां लिखा कि जो फंक्शन यहां होता है उसका डेरिवेटिव हमें यहां लेना होता है, तो इसी स्ट्रक्चर को एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। तो जरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमने निकाला तो वो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए आया। इसे आप ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक पॉइंट जो मैं आपको नोटिस करना चाहता हूं उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर y1 के बाद हम y2 निकालते हैं यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर निकालते हैं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो जस्ट लाइक दैट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉस में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉस का साइन में, फिर साइन का कॉस में, फिर कॉस का साइन में। ये जो टर्म है ये साइन से कॉस और कॉस से साइन घूमती रहेगी, वहां पर प्लस माइनस साइन भी आएंगे, उसे बाजू में रखे फिलहाल। पॉइंट ये है कि जनरल पैटर्न लाने के लिए जो फंक्शन हमें दिया गया है उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जनरल पैटर्न को हम वहां नोटिस ही नहीं कर सकते। तो इसी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कंपाउंड एंगल से डिराइव्ड ए फॉर्मूला को यूटिलाइज करना सिखा रहा हूं। सो ध्यान से सुनिएगा इस इवैल्यूएशन को। सो इससे आगे हम लिखेंगे यूजिंग, हम सबको यह बात पता है बच्चों कि कॉस थीटा को साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिखा जा सकता है। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री है बच्चों, इसे मैं मजाकिया तौर पर पाई बाई टू जादू की छड़ी है ऐसा कहता हूं, जो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहती है। तो ये एक पॉइंट है याद रखने के लिए कि पाई बाय टू जादू की छड़ी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करती है, साइन को कर देती है कॉस, कॉस को करती है साइन, टैन को कॉट, कॉट को टैन, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक। ये पॉइंट यूटिलाइज करेंगे हम, क्या कर रहे हैं इस कॉस थीटा को चेंज कर रहे हैं अगेन साइन थीटा में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर साइन से कॉस और कॉस से साइन टर्म घूमती रहेगी तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं मिलने वाला। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अब यहां पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो बच्चों y1 इज इक्वल्स टू a इनटू ये जो cos थीटा है इसे मैं sin ऑफ
पाई बाई टू प्लस थीटा लिखूंगा। थीटा थोड़ा बड़ा है हमारा ये एक्स प्लस बी का टर्म, लेकिन वो हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता। यहां से अगर आगे बढ़ते हो तो आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों वाई वन का वाई टू हो गया ए जैसे कि वैसा, साइन ऑफ ये जो ब्रैकेट है इसे हम लिखेंगे कॉस ऑफ ब्रैकेट, सेम फॉर्मूला। ब्रैकेट कितना, देखो मैंने कहा था आपको कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर कितनी बड़ी टर्म आ रही है और कितनी छोटी टर्म, इसकी चिंता मत करो। क्या वो टर्म सिर्फ और सिर्फ एक्स है? अगर जवाब हाँ हो तो यूज करो स्टैंडर्ड फॉर्मूला को, अगर ना हो तो यूज करो कंपोजिट फॉर्मूला को। तो हमने वही किया, साइन ऑफ ब्रैकेट है तो यहां पर हमने ब्रैकेट लिखा और फिर डेरिवेटिव ब्रैकेट लिखेंगे। तो पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो, बी का डेरिवेटिव जीरो बच्चों, तो ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ए। यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें यहां ए स्क्वेयर कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी मिलेगा। एक और बार जरा देखो, जब हमने साइन से कॉस पाया था तो हमने कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिया था, फिर से वही हुआ साइन से कॉस बना है। फिर हम फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे एक और बार, मैं जितने बार भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं उतने बार लिख रहा हूं, सो दैट आपको मेरे बार बार लिखने से ये फॉर्मूला लर्न भी हो जाए और साथ में यूज कैसा है वो भी समझ में आ जाए। तो बच्चों ये थीटा है पूरा, आप ध्यान रखिएगा, और ये थीटा इसके जगह लिखा जाएगा। सो y2 की टर्म a स्क्वेयर साइन ऑफ, गौर कीजिएगा, पाई बाई टू फॉर्मूला की वजह से आया और फिर थीटा जो है आपका वो पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी का टर्म है। अब जरा गौर करो, ये ए स्क्वेयर साइन ऑफ पाई बाई टू एड होगा तो डबल्ड ऑफ पाई बाई टू आएगा। आई नो कि पाई बाई टू पाई होता है यहां पर, इट मे पॉसिबल दैट कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर आपको इतना भी नहीं पता कि पाई बाई टू पाई लिखना चाहिए। बच्चों जनरल पैटर्न सर्च कर रहे हो, भूलिए नहीं, जनरल पैटर्न सर्च करते समय कैंसलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर दोगे तो जनरल पैटर्न नोटिस नहीं हो पाएगा, ट्रेस ही नहीं हो पाएगा, तो वाई एन कैसे लिखोगे? तो बच्चों यहां से आगे एक और बार वाई टू हमें मिल चुका, यहां मैं फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई टू से वाई थ्री मिलेगा बच्चों, यहां ए क्यूब आ जाएगा। अब हम बड़े हो गए तो हम लिख सकते इतना, सो ए से ए स्क्वेयर से हमने क्या पाया कि वाई टू है तो ए स्क्वेयर आया, तो वाई थ्री है तो ए क्यूब आ गया, जस्ट लाइक दैट। यहां पर थ्री टाइम्स पाई बाई टू आएगा बच्चों, साथ में ए एक्स प्लस बी का टर्म, तो ये हमारा वाई थ्री है जिसे मैंने बिना किसी थ्योरेटिकल सिक्वेंस से नहीं करते हुए डायरेक्ट आंसर लाते लाकर लिख दिया है, वो भी ऑब्जर्वेशन से, कि जैसे यहां पर y1 है तो यहां a का पावर 1 है, यहां 1 टाइम्स पाई बाई टू है, जस्ट लाइक दैट यहां y2 है तो यहां a का पावर 2 है, यहां पर 2 टाइम्स पाई बाई टू है, तो वैसे यहां पर 3 में है। तो बच्चों अब जनरल टर्म को लिखना कितना देर लगेगा, तो ध्यान से देखो, हम यहां लिखेंगे इन जनरल क्या आएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे y n का टर्म जो कि आएगा a टू द पावर n इंटू साइन ऑफ n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों आपने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, चलिए ये फॉर्मूला में पहले रब कर लू, ध्यान से देखिए, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। सो d टू द पावर n ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आएगा बच्चों, वो हो जाएगा ए टू द पावर एन इंटू, बस ऑर्डर वाइज लर्न करने के लिए आसानी हो इसलिए जरा ऑर्डर चेंज कर रहे टर्म्स का, अदरवाइज कोई और मोटिव नहीं। सो आंसर क्या है, ए टू द पावर एन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। तो ये है आपका साइन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अब यहां छोटे छोटे चेंजेस है जो मैं आपको शो करना चाहूंगा जिससे आपको आसानी होगी आंसर देने में। सोचो कि अगर हम, वापस कह रहा हूं, सोचो कि अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं a की वैल्यू 1, या फिर चेंज करते हो तो और अच्छा चेंज करो, एक दो एक्स्ट्रा केसेस जस्ट मेरे दिमाग में आई तो मैं उसे ले रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं b की वैल्यू 0। सोचो b की वैल्यू अगर 0 कर दी तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax बचेगा बच्चों सिर्फ, यहां से आगे a टू द पावर n इंटू साइन ऑफ ए एक्स, बी तो नहीं आएगा क्योंकि वो जीरो हो गया, प्लस में n पाई बाई टू की टर्म बचेगी। अब करो a की वैल्यू जीरो, अब पुट करो a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू जीरो बोला मैंने, a की वैल्यू वन,
तो क्या आएगा बच्चों कंसिडरेशन में चेंज, तो यहां पर अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा बच्चों। तो यहां तो वन है, अब ऑब्वियस है a की वैल्यू अगर वन कर रहे हो तो यहां वन इंटू एक्स, एक्स लिखा हमने, वन टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज अ वन, तो यहां हमें क्या मिला साइन का एंगल x प्लस एन पाई बाई टू की टर्म आ गई। तो आज से आपके पास साइन ऑफ ax प्लस बी, साइन ऑफ ax और साइन x, इन तीनों के फॉर्मूलाज अवेलेबल है, आपको सिर्फ इन्हें समराइज करना है, और समराइज करते समय सिर्फ पहला वाला समराइज कीजिएगा क्योंकि अदर टू तो उसके डिपेंडेंट कोरोलरी है, थोड़ी बहुत आप उसे चेंजेस करके पा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और इन द सिमिलर सेंस मैं यहां पर एक और कंसिडरेशन आपको समझाना चाहूंगा, ये जो f कंसेप्ट है जिसमें आपके साथ दी nth डेरिवेटिव ऑफ क्या डिस्कस करेंगे cos of ax plus b, तो मैं आपको एक बात यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसके लिए ना ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सिमिलरली ये स्टेप लेते हुए आप इसको आंसर कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जैसे आपने यहां पर साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा वाला टर्म यूज किया था वैसे हम कौन सा यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए जवाब बड़ा सिंपल रहेगा बच्चों कि कॉस को सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू होती है, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा, सिंपली फर्क यह रहेगा कि यहां जहां साइन है वहां कॉस रहेगा, तो राइट साइड में जहां पर आपको कॉस मिल रहा है वहां साइन मिलेगा। तो ये एक कंसिडरेशन है जिसे हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे, तो यहां मैं लिखूंगा सिमिलरली बाय अबाउट कंसेप्ट या बाय अबाउट डिस्कशन, हम यहां पर आंसर डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहे हैं बच्चों की nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है वो a टू द पावर n इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू आता है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहां मैंने जहां साइन था वहां कॉस लिखा है बच्चों, बाकी सारे टर्म्स जैसे के वैसे। और सेकेंड उसी के बाद का, अगर b जीरो हो जाए तो कॉस ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वो आएगा a टू द पावर n कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू। और लास्ट में अगर nth डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ कॉस एक्स सर्च करते हो तो वो हो जाएगा बच्चों कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू। तो ये मेजर चेंजेस है आपके साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें, कोई बड़ा कोई भी यानी आपको कोई अगर बड़ा कंसेप्ट यहां पर लग रहा होगा अरे सर आपने पहला वाला करके दे दिया ये वाला क्यों नहीं किया, तो डरिए नहीं, एक बार ट्राई तो कीजिए, आंसर डेफिनेटली बनेगा। और अगर उसमें अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है तो चलो इनिशियल डिस्कशन में आपके साथ कर लेता हूं सो दैट वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि नहीं हम ये कर पाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहला वाला कंसिडरेशन है जहां पर हम कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इनिशियल स्टेप हमेशा की तरह क्या होगी, लेट वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऑब्वियस है आप इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की टर्म लिखोगे तो वाई से वाई वन बनेगा, तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू ए। अब यही वो स्टेप है जो आपको तकलीफ देगी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस आ गया सर और फाइनल आंसर में कहीं पर भी माइनस नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये आंसर। बच्चों यहां पर जो मैं यूजिंग लिख रहा हूं ध्यान से देखो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे उस कंसिडरेशन को कि कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, विच मींस जब आप इस साइन की जगह पर कॉस को रिप्लेस करोगे तो ये एंटायर टर्म यानी माइनस के साथ ही रिप्लेस होगी, इसलिए फाइनल आंसर में आपको निगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है। सो यहां से आगे क्या आएगा बच्चों ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे वाई वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू और इनटू में ए की टर्म एक्स्ट्रा है, और इसी तरह सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ बढ़ो और फिर जनरल टर्म लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट वाले टू लिखने के लिए पहले बी की वैल्यू जीरो बना लीजिएगा और बाद में ए की वैल्यू क्या बनाइएगा वन। तो ये है बच्चों आपका इस लेक्चर का डिस्कशन जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव समझा, लेकिन 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 ये इतने पे खत्म नहीं होता,
इससे पहले आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लो, इसके इमीडिएट बाद मैं आपको एक और कंसिडरेशन डिस्कस करवाऊंगा यानी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रोडक्ट रहेगा एक्सपोनेंशियल टर्म का और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, और वो डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए ये समझा हुआ होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो अगेन आपके पास देखो, अच्छे से देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के डिपेंडेंट तीन फॉर्मूले यहां बने और तीन फॉर्मूले यहां बने, यानी वेरिएशंस जब आते हैं तो किस लेवल तक आते हैं, इसे भी आपको एग्जामिन करते रहना होगा, तभी बात बनेगी बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर, आप सबसे मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों।